हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स लॉ। मित्रों, आपने जैसे ओम्स लॉ पढ़ा है, ओम्स लॉ केवल सिंपल सर्किट में ही यूज कर सकते हैं। सिंपल सर्किट जैसे जहां पे हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, वहां पे ओम्स लॉ यूज करते हैं। कई सर्किट कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, जहां पे हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को फाइंड करना बड़ा मुश्किल काम होता है, वहां पे हम किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं। किरचॉफ ने इलेक्ट्रिकल सर्किट के रिगार्डिंग दो लॉ दिए हैं, एक है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, दूसरा किरचॉफ सेकंड लॉ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो आइए मेरे साथ देखिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो हम बात कर रहे हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। मित्रों, इसको हम जंक्शन लॉ भी कह देते हैं, जंक्शन लॉ। और इसका एक तीसरा नाम भी दे देते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। शॉर्ट में मैं इसे लिख देता हूं KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो किरचॉफ ने करंट लॉ के बारे में क्या बताया, देखिए मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, ये दिस इज द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, और इस नेटवर्क पे का ये जंक्शन है, मान लीजिए ओ इज द जंक्शन। इस जंक्शन में आई वन करंट आ रही है, आई टू भी आ रहा है और आई थ्री भी आ रहा है, लेकिन आई फोर और आई फाइव इस जंक्शन से वापस जा रहा है। तो किरचॉफ ने क्या बताया, द टोटल करंट एट द पॉइंट ऑफ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। एक बार दोबारा सुनिए, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल करंट मीटिंग एट द पॉइंट ऑफ जंक्शन इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू जीरो। मींस समेशन आई बराबर क्या होता है, जीरो होता है। इसे हम कहते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसको मैं लिख भी सकता हूं, देखिए लिख सकते हैं According to Kirchhoff's law, Kirchhoff's first law, the algebraic sum of the all current meeting एट द पॉइंट ऑफ जंक्शन इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज इक्वल टू जीरो। डेट इज समेशन आई बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। इसे हम कहते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ जो होता है ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मित्रों लॉ एकदम क्लियर हो गया होगा, तो इस लॉ को थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं, अभी आगे बढ़ाएं। देखिए तो हम बात क्या कर रहे हैं, एट द पॉइंट ऑफ जंक्शन द टोटल करंट इज जीरो। मींस अब आप देखिए यहां पे आई वन करंट जंक्शन पे आ रही है, आई टू भी आ रही है, आई थ्री भी आ रही है, तो इन करंट्स को हम कहेंगे इनकमिंग करंट। तो इसमें हम साइन कन्वेंशन करके चलते हैं, फॉर इनकमिंग करंट आई की जो वैल्यू होती है उसे हम पॉजिटिव लेके चलते हैं, फॉर इनकमिंग करंट आई टेक पॉजिटिव, एंड फॉर आउटगोइंग करंट आई टेक नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन हो गया। तो अब आप देखिए पॉइंट ओ पर तीन करंट आ रही हैं, आई वन आई टू आई थ्री,
इसका मतलब क्या हुआ, दैट्स वाई आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री माइनस ये आई फोर और आई फाइव आउट गोएंगे, आई फोर माइनस आई फाइव बराबर क्या हो गया जीरो, दैट्स वाई आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इक्वल टू क्या हो गया आई फोर प्लस आई फाइव। तो यहां से भी क्या रिजल्ट मिला, टोटल इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करेंट। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जंक्शन पे जितना करंट आता है उतना ही वहां से वापस जाता है, मींस टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इस पे एक पहले एक एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए एक बहुत सुंदर सा एग्जांपल है, वन मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में पूछ लिए जाते हैं। मित्रों एक जंक्शन है, ये मींस आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, और यहां से करंट ऐसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा गया और ये कैसे, ये नेटवर्क, इसमें 2 एम्पियर का करंट है, इसमें 3 एम्पियर का करंट, और यहां पे 1 एम्पियर का करंट, और इस आर्म में 1.5 एम्पियर का करंट है। तो क्वेश्चन कहता है इस वाली आर्म में कितना करंट है, एक बार देखिए डायग्राम को, 2 एम्पियर 3 एम्पियर ऐसे जा रहे करंट गया, यहां पे फिर अगेन जंक्शन बना, यहां पे 1 एम्पियर का, यहां पे भी कुछ जाएगा, तो यहां से आगे इस पॉइंट से आगे कितना करंट है, इस आई की वैल्यू क्या है। तो कई ने तो कर लिया होगा सॉल्व, तो देखते हैं, देखिए मेरे साथ 2 एम्पियर 3 एम्पियर तो इनकमिंग हो गया टोटल 5 एम्पियर, तो इस आर में कितना करंट आ गया, यहां पे 5 एम्पियर का करंट आ गया, 5 यहां तक आ रहा है, ये 5 एम्पियर हो गया जी। अब यहां पे 5 इनकमिंग था, 1 यहां से गया, तो 5 माइनस 1 तो यहां पे कितना होगा, ये 4 होगा क्या, 4 तो इस वाली आर्म में कितना करंट आ गया, 4 एम्पियर। अब आप देखिए, अब यहां से आगे बात करें, 4 एम्पियर यहां पे आ रहा है, 1 यहां से चला गया माइनस 1 तो कितना बचेगा, 3 एम्पियर, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, 3 एम्पियर आंसर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सॉरी एक बार देखें, ये कितना यहां पे 4 एम्पियर आ रहा है और यहां पे 1.5 है, तो 4 में से 1.5 गया तो कितना बचा, 2.5, तो कितना करंट आएगा, 2.5 एम्पियर का करंट आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़े, तो आगे बात करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और न्यूमेरिकल इस पे खूब पूछे जाते हैं सीबीएसई में, 3 to 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन आ जाते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ, और इसे हम कह देते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोल देते हैं, शॉर्ट में से लिख देते हैं केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या इसे हम मैस लॉ भी बोल देते हैं। तो मित्रों ये होता क्या, इसे समझने का प्रयास कीजिए, मैं इसे एक बार लिख देता हूं पहले, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द क्लोज सर्किट,
जैसे ऑल एलिमेंट्स का मतलब क्या है, पहले जैसे लाइक रेजिस्टेंस, द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ऑल एलिमेंट्स इन अ क्लोज सर्किट, क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू द टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट। टोटल सर्किट से मतलब सोर्स, जो सर्किट में जो सोर्स है ईएमएफ के, उन सब का टोटल ईएमएफ। इट्स द किरचॉफ्स सेकंड लॉ मींस केवीएल। एक बार दबा समझिए, द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द ऑल एलिमेंट्स इन द सर्किट इज इक्वल टू द टोटल ईएमएफ ऑफ दिस क्लोज सर्किट। मींस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन आई आर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर्स बराबर क्या होगा, टोटल ईएमएफ। दिस इज द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मित्रों ये जो लॉ है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये बेस्ड है। कोई डाउट आपको? अब इसका फंक्शन समझने का प्रयास करते हैं, कैसे ये काम करता है। पहले साइन कन्वेंशन और इस पे एक दो क्वेश्चंस भी करेंगे। देखिए किरचॉफ सेकंड लॉ में क्या बताया मैंने, द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल टू टोटल ईएमएफ ऑफ द क्लोज्ड सर्किट और मैस। मान लीजिए मैं एक सर्किट ले रहा हूं, मैं एक रफ डायग्राम लेके चल रहे हैं, अगर ये चीज समझ में आ जाएगी आपके तो मैं 100% श्योर हूं कि आपकी समझ, आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो एक बार इसे ना मन लगा करके देखिए, ये रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है, ये R2 और ये R3। ये जो सेल है इसका ईएमएफ E1, E2 और ये E3। सपोज कीजिए इस सेल से करंट I1 पास हो रहा है, इधर से I2 पास हो रहा है, इधर से I3 पास हो रहा है। तो ये मैंने एक रफ डायग्राम ले लिया, इसकी नेमिंग कर देता हूं A B C D E F। ये मैंने नेमिंग कर। अब इसमें मैंने बात की थी हम क्लोज सर्किट या क्लोज्ड मैस लेकर के ही चलेंगे, मींस किरचॉफ सेकंड लॉ केवल क्लोज सर्किट के लिए ही एप्लीकेबल है, ओपन सर्किट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जैसे मैं एक क्लोज सर्किट लू, नाम दे रहा हूं मैं A B C D A। देखिए A B C D A मींस जहां से चल रहे हैं वापस वहीं तक आना है, तो ये क्या हो गया, एक क्लोज सर्किट हो गया, क्लोज्ड मैश हो गया। अब ये मेरी और आपकी चॉइस रहेगी, मैं क्लॉकवाइज चल सकता हूं या एंटी क्लॉकवाइज चल सकता हूं, ये मेरी चॉइस है। और तो जब चल रहे हैं तो वो एक सीक्वेंस सही होना चाहिए, जैसे हम चल रहे हैं कैसे, क्लॉकवाइज A B C D A क्लॉकवाइज हो गया ये ऐसे। तो सबसे पहले हम क्या बात करनी है, साइन कन्वेंशन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए साइन कन्वेंशन को। पहला पॉइंट फॉर IR मींस पोटेंशियल ड्रॉप के लिए, देखिए अगर हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट टेक पॉजिटिव साइन। कैसा साइन लेना है, पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव साइन लेना है। जैसे इस वाले फिगर में देखिए, हम
हम मैथ्स कौन सा लेके चल लेते ए बी सी डी ए, ए बी, ए से बी तक जा रहे हैं लेकिन करंट कैसे फ्लो कर रहा है बी टू ए, तो यहां पे आई आर का प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ गई। एक बार और देखिए फॉर ई, ई एम एफ ऑफ द सेल, ई के लिए हम क्या बात करेंगे, अगर सर्किट में पहले पॉजिटिव प्लेट आती है उसके बाद नेगेटिव आती है, मींस ऐसे जा रहे हैं यो, तो आप कैसा साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है ऐसे, तो आई आर के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट पॉजिटिव साइन, और सेल के लिए मींस ईएमएफ के लिए पॉजिटिव प्लेट से अगर नेगेटिव प्लेट की साइड चल रहे हैं तो कैसा साइन आएगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव से पहले नेगेटिव प्लेट आ गई फिर उसके बाद पॉजिटिव आ रही है तो साइन आएगा पॉजिटिव। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप ये मान के चलेंगे कि किरचॉफ्स लॉ के क्वेश्चंस को बड़े इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो एक बार देखते हैं, मैं इसे हटा दूं, साथ साथ समझ में आ जाएगा। जैसे बात करूं मैं फॉर मैस ए बी सी डी ए, देखिए प्लीज हमारे पास फॉर्मूला है समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ई, तो मैं ए से बी तक चल रहा हूं, पहले करंट की बात कर रहा हूं, तो ए से बी तक है तो रेजिस्टेंस कितना आर वन, करंट कितना आई वन, तो करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस आई वन आर वन। बात समझ में आ गई क्या, माइनस आई वन आर वन। नेक्स्ट देखिए बी और सी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मींस पोटेंशियल ड्रॉप क्या हुआ, जीरो, यहां पर कोई ड्रॉप नहीं हुआ। फिर देखिए सी से डी में आई, सी से डी में देख रहे हैं आप करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पॉजिटिव साइन आ गया आई टू आर टू। फिर डी से में कोई रेजिस्टेंस नहीं, ड्रॉप क्या हुआ, जीरो, पोटेंशियल ड्रॉप आ गया, बराबर का साइन लगा दीजिए समेशन ही। अब फिर ए पे आ गए हम, देखिए पहले कौन सी प्लेट आई, पॉजिटिव, तो माइनस साइन, माइनस ई वन। यहां पे कोई बैटरी सोर्स नहीं है, फिर यहां पे देखिए कैसा साइन आ गया, पहले नेगेटिव साइन आया फिर पॉजिटिव, तो प्लस ई टू। क्वेश्चन समझ में आ गया, इक्वेशन बन गया, इजी है। और देख लीजिए दूसरा मैस लीजिए, फॉर मैस मैं बात करूं डी सी एफ ई डी, डी सी एफ ई डी, ये वाला मैस मींस यहां भी हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। देखें डी से सी में हम जा रहे हैं तो डी से सी में करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस आई टू आर टू। इस आर में कोई रेजिस्टेंस नहीं, ड्रॉप जीरो, अगेन यहां पे देखिए करंट की डायरेक्शन में चलने लगे, प्लस आई थ्री आर थ्री, यहां पे ड्रॉप नहीं, बराबर का साइन आ गया, पहले बैटरी का पॉजिटिव साइन, माइनस ई टू प्लस ई थ्री। समझ में आ गया क्या, एक इक्वेशन आप सोचिए और कीजिए इसे, फॉर मैस ए बी एफ ई ए, ए बी एफ ई ए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसमें ये वाली आर्म को हम काउंट नहीं कर रहे, मैं हटा देता हूं इसे, जैसे ये, तो क्या बनेगा यहां पे ए बी एफ ई ए, देखिए ए से बी के माइनस आई वन आर वन, आई वन आर वन, इस आर में कोई रेजिस्टेंस नहीं, प्लस यहां पर देखो करंट की डायरेक्शन में अगेन आई थ्री आर थ्री, बराबर माइनस ई वन प्लस ई थ्री। आंसर समझ में आ गया क्या, दिस इज द किरचॉफ सेकेंड लॉ, मींस किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मेरे ख्याल से आपकी समझ में आया होगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस पे बेस्ड है,
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। और इसमें क्या बताया मैंने, द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स इन द क्लोज सर्किट इज इक्वल टू द टोटल ईएमएफ ऑफ द क्लोज सर्किट, मींस समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ई। एक क्वेश्चन लेके चलते हैं भाई, एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल लेके चल रहा है, थोड़ा कठिन एग्जाम्पल है और उसे समझने का प्रयास कीजिए। बाकी मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, करना आपको है। ये एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, किरचॉफ्स लॉ है। ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम का है और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 ओम। और ये 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 5 वोल्ट की बैटरी। मैं नाम दे देता हूं इसका ए बी सी, दिस पॉइंट इज डी और मैं यहां पे इस पॉइंट को मैं ई बोल देता हूं। इस सर्किट को आप देखिए, इसमें हम किरचॉफ्स के दोनों लॉज को अप्लाई करेंगे। तो अब मुझे ये बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा इसमें कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर में करंट की वैल्यू क्या है, फाइंड द करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर, मींस इस आर्म में करंट क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, यहां पे क्या है और इस वाली आर्म में क्या करंट है। तो मित्रों सबसे पहले हम क्या करते हैं, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एनसीईआरटी ने इसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, लेकिन मान लीजिए हमें नहीं पता, नहीं दे रखा होता तो कैसे करेंगे। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ को इसमें अप्लाई करने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए इससे करंट I1 पास हो रही है, इस बैटरी से यहां से करंट I1 निकल गई और यहां पर जंक्शन बना, तो जंक्शन जितनी जंक्शन पर करंट आती है उतनी वापस जाती है। तो मान के चले इसमें से करंट पास हो रही है I2, क्लियर हो गया, इधर I2 गई तो यहां पे कितनी जाएगी, I1 माइनस I2 करंट इस साइड जाएगी। बात समझ में आ गई, तो ये I2 करंट यहां तक आ रही है। अब आप देख रहे हैं सर्किट में ये सेल भी लगा हुआ है, तो यहां से भी करंट ड्रॉन होगी। मान लीजिए यहां से I3 करंट ड्रॉन हो रही है, तो I2 यहां से आ रही थी और I3 यहां से आ रही है, तो जंक्शन पे कितना करंट हो गया इस पे, I2 प्लस I3, तो यहां पे कितना करंट जाएगा, I2 प्लस I3। समझ में आ गया क्या। अब आप देखिए फिर यहां पे जंक्शन बना और इस वाले सेल से कितनी करंट निकल रही थी, I1, तो ये डेफिनेट है आई वन तो इधर निकलेगी, जाएगी जाएगी वापस, तो इधर कितना बचा, आई टू प्लस आई थ्री माइनस आई वन, फिर जंक्शन बन गया, आई वन माइनस आई टू इधर से आ रही है, ये वाली करंट इधर से आ रही है, तो देखो आई टू इधर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, कैंसिल, आई वन पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, कैंसिल, तो केवल क्या बचा आई थ्री। तो इस सेल से कितना करंट निकला था, आई थ्री, वापस भी कितना आ गया, आई थ्री। अगर जितना करंट सेल से ड्रॉन हो रहा है उतना ही उसमें वापस आ जाए तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो करेक्ट है। अब इस सर्किट में फिर देखिए हमारे पास कितने अननोन फिगर हैं, तीन, आई वन आई टू एंड आई थ्री। तो तीन अननोन फिगर को सॉल्व करने के लिए मुझे तीन इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तो तीन इक्वेशन के लिए मुझे तीन मैश बनाने पड़ेंगे।
तो इसमें से कोई तीन मैश आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। मान लिया मैंने एक मैश लिया फॉर मैश ए बी सी ए, ये वाला ए बी सी ए, ये वाला मैश ले लिया। तो इसकी इक्वेशन को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, जैसे हमने हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है, समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ही, इस फॉर्मूला को आप छोड़िए मत, आंसर में कोई गलती नहीं होगी। देखो ए से हम बी तक जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, आई आर क्या हो जाएगा, फोर आई टू, फोर आई टू, इसमें कितना रेजिस्टेंस है टू, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, प्लस टू आई टू प्लस आई थ्री। अब यहां पे आगे कितना करंट जा रहा है, I1 करंट की डायरेक्शन में ही है, प्लस 1 इंटू I1, I1 बराबर E, इस R में कोई बैटरी नहीं है, यहां भी नहीं है, नेगेटिव पहले आ गया पॉजिटिव बाद में आ रहा है, प्लस 10। और सॉल्व कर लो इसे, 4 I2 6 I2 प्लस 2 I3 प्लस आई वन बराबर 10, इक्वेशन बना गया, एक इक्वेशन बन गया। ऐसे ही आप ये दूसरी आर्म ले सकते हैं, फिर एक दूसरा इक्वेशन बनेगा, फिर तीसरा मैश ये वाला ले सकते हैं। दूसरा मैश कौन सा लेना है, फॉर मैश ए सी डी ए, ये वाला ले लीजिए। तीसरा मैश कौन सा लेना है, बी E, D, B, ये यहां से तीन मैश लेंगे, तीन इक्वेशन बनेंगे, तीनों को बड़े आराम से आप सॉल्व करेंगे, आपकी समझ में आंसर आ जाएगा। इसे कीजिए और मुझे सॉल्व करके भी भेजिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड है टाइम और आप करें तो ज्यादा बेटर है, नहीं आए तो फिर मुझे बता दें। एक क्वेश्चन और देखिए, आपकी समझ में थोड़ा और आना चाहिए। जैसे मेरे पास एक स्केलन टाइप क्यूब क्यूब है और इसके हर आर्म में इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, यह भी एक एनसीईआरटी का एग्जाम, मैं से सही से प्रयास करता हूं आपकी समझ में आ जाए। थोड़ा कठिन टॉपिक है, प्रैक्टिस मांगता है ये, लेकिन डरना नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है, ये 12 रजिस्टर्स हैं, 12 रजिस्टर्स आर अरेंज्ड इन ईच आर्म ऑफ द क्यूब स्केलन, क्यूब स्केलन, और हर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आर है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन द डायगोनल एंड्स ऑफ द सर्किट, डायगोनल एंड्स ये है, इन एंड्स के बीच में कितना रेजिस्टेंस है। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये आपको दिख जाएगा, ये क्वेश्चन वहां पे आर की वैल्यू वन ले रखी है, मैं इसे आर लेके चल रहा हूं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको ये पता ही ना चले कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में है, तो आप जो है किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन एंड्स के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है वहां पे अपने एज्यूम कर लीजिए एक बैटरी कनेक्टेड है और बैटरी का पोटेंशियल मान लीजिए वी है, या आप ईएमएफ कह सकते हैं, वी है। नाम दे देता हूं मैं इसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, और इनमें से के एल एम, ऐसे नाम देते हैं, कोई दिक्कत। अब आप देखिए बैटरी से करंट मान लीजिए आई एम्पियर का निकल रहा है, यहां पर जंक्शन बना तो आई वाई थ्री यहां पर जाएगा, आई वाई थ्री भी यहां पर आएगा, आई वाई थ्री यहां पर आएगा, क्यों ऐसा होगा,
क्योंकि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, रेजिस्टेंस सब सेम है आर ओम के हैं, तो इक्वल अमाउंट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मींस करंट 3/10 मतलब 1/3 डिवाइड हो जाएगी, I/3 यहां पे, I/3 यहां पे, I/3 यहां पे। फिर देखिए I/3 करंट लेकर के ऊपर जा रहा है, यहां पे फिर जंक्शन बना, रेजिस्टेंस अगेन सेम है, तो कितना हो जाएगा I/6, यहां भी I/6, ऐसे ही I/3 यहां से गया, I/6 यहां पे, I/6 यहां पे, फिर I/3 यहां से गया इस आर्क में, I/6 यहां भी, I/6 फिर आगे चले, मान लीजिए इस पॉइंट पे आ गया, I/6 इसमें जा रहा है, I/6 यहां से जा रहा है, I/3 आ गया, ऐसे यहां पे I/6 इस आर्क में जा रहा है, I/6 यहां से आ रहा है, तो I/3 यहां पे हो जाएगा, जुड़ जाएगा सेम, I/3 यहां पे आ गया, फिर जंक्शन बना, आई मिल गया। करंट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा टफ है, मैंने मुझे आता है इसलिए मैं थोड़ा इजी हो पा रहा है मेरे से, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ऐसे ही करने लगेंगे। अब क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें एक ऐसा मैच देखना है जिसमें बैटरी भी शामिल हो, तो आप कोई भी मैच ले सकते हैं, ए बी सी एफ के एल एम ए, आप ऐसे भी जा सकते हैं ए एच जी एफ के एल एम ए। देखिए मैं कहूं फॉर मैच ए बी सी एफ के एल एम ए, ये वाला मैच ले लिया मैंने पूरा यहां से, यहां तो मेरे पास फॉर्मूला सेम है, समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ई, तो इसको अप्लाई करते हैं, करंट की डायरेक्शन में चल रहा है, क्या आ जाएगा I/3 इंटू आर प्लस I/6 इंटू आर प्लस I/3 इंटू आर प्लस, यहां पर पहुंच गए, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, वापस आ गए, बराबर किसके बराबर आ गए, यहां पर कोई बैटरी नहीं थी, बी नेगेटिव से पॉजिटिव बी, सॉल्व करें इसे तो ये आ गया 5/6 आई आर इक्वल टू बी। मित्रों बी इक्वल टू क्या होता है आई आर, मान लीजिए टोटल सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना है आर डैश है, तो मैं क्या लिख सकता हूं बी की जगह पे, तो इसको मैं लिख दूंगा 5/6 आई आर इक्वल टू आई आर डैश, आई से आई कैंसिल, तो क्या बचा आर डैश इक्वल टू कितना आ गया 5/6 आर, तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना आ गया 5/6 आर। कौन सी कंडीशन में आया है, बिटवीन पॉइंट डायगोनल एंड्स, अगर बैटरी में यहां पर लगाता तो कुछ और आता, तो अलग अलग पोजीशंस पर रेजिस्टेंस अलग अलग आएगा। ओके तो ये था मित्रों किरचॉफ्स लॉ, आप इस पर कई सारी प्रॉब्लम्स करने का प्रयास करें, आई होप आपकी समझ में आया होगा, थैंक यू वेरी मच।